अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बियॉन्ड द किचन में आपका वेलकम। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही अलग फ़िश फ्राई, जिसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो फिश मच्छी लिए है। ये सुरमई की है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमने चने का आटा, बेसन वो 2 टेबलस्पून लिया है। इसको हमने हल्का भून लिया था ताकि जो है इसका कच्चापन जो है वो खुशबू ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 टीस्पून जो कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही भुना और कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ भी ले सकते हैं और जो है पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 1 चाय का चम्मच डाला है। नमक हसबे ज़ायका ले गए। साथ ही हम इसमें लीमू का रस डालेंगे। ये हमने 1 लीमू का रस लिया है और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच पानी शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो है 2 टेबलस्पून तकरीबन पानी डाला था। ये इस तरह से पेस्ट जो है तैयार है। अब हम इसे मछली पे लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह से मछली पे लगा लेंगे अच्छी तरह। देखिए हमने मच्छी को जो है मसाला लगा लिया है। आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पैन में तेल लिया है, इसे हम जो है डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान दें कि तेल जो है ज़्यादा ना हो पैन में, क्योंकि फिर वो जो है यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो मछली की जो स्मेल होती है वो आ जाएगी। हम इसे मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। देखिए अब हम इसे पलट लेंगे। सी फूड को जो है ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए हमारी फ़िश फ्राई जो है चटपटी फ़िश फ्राई तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।